संचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इसी खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाएं। वह शैतान ढूंढता रहता है कि किसको फाड़ खाएं। शैतान ने जब पाप किया था तब परमेश्वर ने शैतान को और उसकी सारी सेना को परमेश्वर ने नीचे पृथ्वी पर गिरा दिया था, और वही शैतान हर एक मसीही को परीक्षा में डालता है। शैतान का एक ही मकसद है, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान को जब स्वर्ग से नीचे गिराया था तो परमेश्वर ने शैतान का न्याय पहले ही से कर दिया था। वो तो नर्क में जाएगा, क्योंकि वो अकेले उसमें जाना नहीं चाहता है। इसलिए सावधान रहो। आज मसीहत सिर्फ नाम की मसीहत रह गई है। आज मसीह सिर्फ चंगाई के पीछे भाग रहे हैं। हमें चंगाई मिल जाए बस हमारा उद्धार हुआ हो या ना हुआ हो। और चर्च कलीसियाओं को एक व्यवसाय बना कर रख दिया गया है। प्रार्थना के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, मगर वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं, भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। मेरी बात को याद रखना, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा, अगर किसी दिन अचानक आपकी डेथ हो गई, तो आपको कहाँ जाना पड़ जाएगा ये तो आपको अच्छी तरह से पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आपको सीधा सीधा नर्क में जाना पड़ जाएगा। पहले तो मरने के बाद आपकी आत्मा अधोलोक में चली जाएगी, और फिर आपकी आत्मा अधोलोक से निकाल कर स्वर्ग सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, और फिर उसका न्याय किया जाएगा, और फिर उसको वही शरीर पहनाया जाएगा जिसमें आपने वह विचार और गलत काम किया है, और फिर उसको हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर उसको वही शरीर पहना के परमेश्वर उसको नर्क में डाल देगा, जहाँ की आग कभी नहीं बुझती है और कीड़े कभी नहीं मरते हैं। मत्ती 7:15 से लेकर 23 तक हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। जो चर्च कलीसियाओं में बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, झूठी भविष्यवाणी करते हैं, पास्टर प्रचारक लोग, वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं, भेड़ की खाल में भेड़िए हैं। 16 में उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? नहीं, ऐसे लोगों से सावधान रहो जो चिन्ह चमत्कार करते हैं, तुक्का मारते, अंदाजा मारते हैं। किसी का लग गया तो लग गया, वरना कोई बात नहीं। जैसे निर्मिया 23:16 में लिखा हुआ है, सेनाओं के यहोवा ने तुमसे यूं कहा है, इन भविष्यद्वक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा की मुख की नहीं वरन अपने ही मन की बातें कहते हैं। ये लोग तुक्का मारते हैं, अंदाजा मारते हैं, चर्च कलीसियाओं में जो बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करते हैं, किसी का लग गया तो लग गया, अपने ही मुख की बातें बोलते हैं, यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मुख की बातें बोलते रहते हैं, तुक्का मारते हैं, अंदाजा मारते हैं। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के शेयर करें अपने मसीह भाई बहनों के पास। क्या पता आपके एक शेयर से कितनी आत्माएं बढ़ सकती हैं। ठीक है भैया, तब तक के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।